Hello everyone, I'm abhishek nath and welcome to another episode of Learn with Legal where we have topic, but within the time frame of 1000 seconds or Ajka topic, is the Thai protests 2020 that have been going on since a long, long time. So well, let us see what we are gonna cover in this video. We are gonna cover the recent news, the people in the news, how did it all start, uh, what are these lesimagisti laws, who all are protesting, other demands, problems with the monarchy, and then we'll have a quick summary as we always do. So let टाइमिंग बिगेन रिसेंट न्यूज में यह है कि थाउजेंड कम टू दीट्स ऑफ बैंकॉक एंड दे हैव स्टार्टिड इंसल्टिंग द किंग विच इज अ वेरी बिग टू इन थाईलैंड थाईलैंड में हमेशा जो मोनार की है उसको बहुत रेवरेंस के साथ देखा जाता है बट पीपल हैव कम अंडर सच अ कंडीशन दैट दे हैव स्टार्ट इंसल्टिंग द किंग एंड द मिलिट्री एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड Everyone and protests have been going on for a long, long time. Now, the people in news, let's have a look who are the people we are gonna get concerned with. First of all, the Prime Minister of Thailand, General Prayuth Chan Ocha. Then we'll have the King of Thailand, Maha korn and then we'll have the lead protester, jinke uh, ten demands wale speech ke baad the whole thing got a huge spark and uh, the whole protest got uh, rejuvenated. And uh, that student's name is Panosaya Sijita Rawatthanukul. Right? She belongs to uh, you know university. City of thailand called thammasat university um, inke mein bhi and how did she come up with this 10 demands we are going to see all these things in quite some time all right so how did it all start They to know how did it all start we need to know these two persons yungluk shanawatra and thakshin Shinawatra. these two are brothers and sisters in 2013 when yungluk Shinovatra was the prime minister of uh थाईलैंड शी ट्राई टू ब्रिंग एन अ लॉ विच कुड गिव एमनेस्टी टू थाक्षिंद सिनावात्रा थाक्षिण सिन्नावात्रा टू थाउजेंड एट से एबस्कॉन्डिंग है फ्रॉम थाईलैंड वॉट हैपन वैन ही वॉज इन दी गवर्नमेंट वैन ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर थाक्षिंद सिनावात्रा ही उनके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस हुए थे ऑफ करप्शन एंड मैनी अदर थिंग तो उसके बाद इन 2008 ही फ्लीड थाईलैंड तो 2013 में व्हाट हैड हिज सिस्टर यंगलुक शिनावात्रा वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड नाउ दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन अ लॉ व्हिच कुड गिव एमनेस्टी टू थानावात्रा नाउ दिस वाज नॉट सीन इन अ गुड वे बाय द थाई पीपल और दिलिटरी और दॉयल फैमिली तो वॉट हैपन लॉड्स ऑफ प्रोटेस्ट स्टार्टेड एंड थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर युगलोक शिनावात्रा हैड टू डिज़ोल्व द पार्लियामेंट बिकॉज ऑफ द आउटरीच दैट वॉज पू इन द स्ट्रीट्स ऑफ थाईलैंड और जैसे ही उन्होंने डिजोल्व किया पार्लियामेंट वॉट हैपन अब डी इट आट है मिलिटरी एज्यूम्ड पावर ऑफ थाईलैंड एंड दे वॉज फॉर्मड अ मिलिट्री जनता मिलिटरी जनता आपने सुना होगा हमने यू नो एक और टॉपिक में पढ़ा था अबाउट दथियोपिया टिगरे क्राइसिस वहां पर भी मिलिट्री जनता बना था एड यहाँ पे भी मिलिट्री जनता मतलब गवर्नमेंट दैट इज गवर्न बाई द मिलिट्री ऑफ दैट कंट्री दैट इज कॉल्ड मिलिट्री जनता ना इस मिलिट्री जनता के हेड कौन थे इस मिलिट्री जनता के हेड मिलिट्री चीफ थे हूज नीम इज मिस्टर प्रायूथ चांद ओचा हमने पीपल इन न्यूज में देखा था ना ही has a sympathy towards the monarchy of the uh, thailand which was not a problem because the, in 2013 even the thai people were sympathetic towards the uh, you know monarchy of the uh, thailand so what happened yejo military janta banatha uska namtha national council for peace and order और उन्होंने क्या किया फर्स्टली दे ब्रॉट इन एन इंटरिम कंस्टिट्यूशन क्योंकि पार्लियामेंट डिजोल्व कर दिया दे ऑल्सो कैंसल्ड द कंस्टिट्यूशन दैट वॉज एग्जिस्टिंग इन थाईलैंड एंड दे ब्रॉट इन अ न्यू इंटरिम कंस्टिट्यूशन बट दिस हैड लॉर्ड्स ऑफ यू नो ऑटोक्रैटिक फीचर्स ये मिलिट्री जनता का जो पावर है उसको और ज्यादा पावरफुल कर दिया जाके देस्टीट्यूशन बट वहां पर मिलिट्री को बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया कैसे उन्होंने यह बताया इस कंस्टिट्यूशन में यह लिखा है कि द प्राइम मिनिस्टर विल बी इलेक्टेड बाई अ टू फिफ्टी मेंबर्स सेनेट विल बी इलेक्टेड बाई द मिलिट्री तो मतलब मिलिट्री पहले टू फिफ्टी मेम्बर सेनेट को इलेक्ट करेगा फिर उसके बाद दे सिलेक्ट की प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे मतलब एक तरीके से मिलिट्री विल डिसाइड हु दी प्राइम मिनिस्टर स्वीपिंग पावर्स टू दी यू नो मिलिट्री ये दे दिया गया प्लस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर यू नो मिलिट्री के पसंदीदा कैंडिडेट uh, होने के बावजूद भी मिलिट्री का पावर कैसे और कंसोलिडेट कर दिया गया कि मिलिट्री ने एक ट्वेंटी ईयर ब्लू दिया था फॉर थाईलैंड तो कंस्टिट्यूशन में ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी पॉलिसी uh, ये गवर्नमेंट लाए प्राइम मिनिस्टर लाए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी लाए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कोई डिसीशन हो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस ट्वेंटी ईयर ब्लू प्रिंट फॉर थाईलैंड एंड द मोस्ट आउट थिंग वॉज दिस आर्टिकल फोर्टी फोर ऑफ द कंस्टिट्यूशन ये टेम्पोररी कंस्टिट्यूशन में भी था एंड देन इट वॉज ऑल्सो देयर इन द परमानेंट कंस्टिट्यूशन दैट वॉज ब्रॉट ऑन बाय प्रयु चांद ओचा वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है टू गिव एनी ऑर्डर To suspend anyone or take any actions for uh, bringing uh, benefits to the reforms or for the unity and reconciliation of people or to prevent any you know action that can cause uh, destruction to the peace and order and matlab, just see key ki is are a vague term any actions he sees necessary for the benefits of the reforms the unity and reconciliation of the way, or to prevent suspend or any actions matlab there is so much vagueness and there is so much scope of arbitrarine, arbitrariness in this law right or is it what happened there was discretionary powers that were given to the prime minister this caused lots of resentment among the people of Thailand. Plus, प्रयुत चांद ओचा का जो एटीट्यूड था वो भी अच्छा नहीं है बिकॉज ही इज़ अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन वो इंडिपेंडेंट मीडिया को टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं देन यू कैन सी द न्यूज़ हेडलाइंस मीडिया कवरेज इरिटेट्स प्रयुत देन उनके काफ़ी बिजार काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो उइगुर रिफ्यूजीज थे ही कंपेयर दैम विथ ब्रीडिंग एनिमल्स आई डोंट नो हाउ दिस इवेंट मेक्स सेंस बट वॉट हैपन समाइम्स सच टेरेबल डू गेट इलेक्टेड एंड ही डिड गेट इलेक्टेड वहाँ पर एक पार्टी है जिसका नाम है पलंग प्रचारथ पार्टी सो पलंग प्रचारथ पार्टी जो है आफ्टर यू नो इन इन टू थाउजेंड सेवेंटीन वेन प्राय चन वोच आर रिटायर्ड फ्रॉम दोस्ट ऑफ आर्मी चीफ दे इलेक्टेड हिम एज द प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट और टू थाउजेंड नाइनटीन में जब इलेक्शन हुआ थाईलैंड का देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ओवरवेल्मिंग वोट्स पलंग प्रचारत पार्टी को मिला था बट बोला जाता है कि ये जो इलेक्शन था दैट वॉज टोटली रेग्ड एंड ये जो पलंग प्रचारत पार्टी है इट्स टोटली बैक्ड बाई द मिलिटरी ऑफ थाईलैंड आए उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी ऐसे मुनारकी रहता है कोई भी ऐसे यू you नो know, पावर रहता है इट्स पावर गेट्स चिजल्ड ऑफ इन सम वे टू थाउजेंड एटीन में देअ वॉज़ अ न्यू पार्टी दैट केम इन टू दी हेडलाइंस एंड दैट वॉज द फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी ये जो फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी है इट वॉज फॉर्म्ड बाई अजनस टाइकून ऑफ थाईलैंड जिसका नाम है थानाथॉन जुआंग ग्रुआन ग्रुआन गिथ ना इन्होंने काफ़ी हेडवे गेन किया इन दॉलीटिक्स ऑफ थाईलैंड एंड ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी मिलिट्री एंड दोनार्की ऑफ दी थाईलैंड कंट्री मोनारकी के अगेंस्ट में इन्होंने यू नो प्रोटेस्ट इसलिए करना शुरू किया बिकॉज मोनार की पहले क्या करता था दे यूज टू कीप अ वेरी न्यूट्रल स्टांस वो लोग उतना ज़्यादा मिलिट्री को भी सपोर्ट नहीं करते थे उतना ज़्यादा थाई पीपल को भी सपोर्ट नहीं करते थे वर गुड एक्चुअली दे वर प्रिटी न्यूट्रल बट सिंस 2016 व्हेन सिक्सटीन मा वाजरी लॉन्ग कॉन् बिकेम द किंग

तो क्या किया गया अचानक से 2019 के दिसंबर में ये जो फ्यूचर फॉरवर्ड्स पार्टी है फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी है उसको अचानक से बैन कर दिया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड ये बोला गया कि दे आर पार्टिसिपेटिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑल दीज थिंग्स जबकि ये समझा गया था कि दिस वाज अनदर अटेम्प्ट बाई दी थाईलैंड मिलिट्री एंड थाईलैंड गवर्नमेंट टू स्टाइफल एनी काइंड ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट इट एंड दिस क्रिएटेड प्रोटेस्ट इन दी स्ट्रीट्स फिर उसके बाद द प्रोटेस्ट गॉट ह्यूज पार्क इन ऑगस्ट 2020. पानुसाया सीजी था रवातनकुलज़ यू नो स्टूडेंट ऑफ you know, थम्मा आर्ट यूनिवर्सिटी uh, उन्होंने टेन डिमांड्स का यू you नो know, uh, एक लिस्ट दिया टेन डिमांड्स कौन कौन से हैं स्ट्रिप दी मोनार्क ऑफ लीगल इम्यूनिटी रिवोक द लेजी मजिस्टी लॉज पार्डन ऑल दोजील फॉर दिस क्राइम क्लियरली डिफाइन विच एसेट्स आर हेल्प प्राइवेटली बाई द किंग दिस इज इंपॉर्टेंट इसके बारे में हम लोग बात करेंगे रिड्यूस टैक्स मनी सपोर्टिंग द इंस्टीट्यूशन अबॉलिश ऑल रॉयल ऑफिस ओपन ऑल मनी गिवेन टू द रॉयल चैरिटीज टू पब्लिक स्क्रूटिनी फॉरबेट द मोनार्क फ्रॉम एक्सप्रेसिंग पोलिटिकल ओपिनियंस

विच मीन्स टू डू रॉन्ग टू द मजिस्टी यानी कि जो रॉयल पावर है मोनार्की के अगेंस्ट में कुछ यू नो अपशब्द बोलना या फिर इंसल्ट करना इस चीज इसको बोला जाता है लजी मजिस्टी यानी टू डू रॉन्ग टू मजिस्टी। ये यूरोप में जब मोनार्कीज़ थे बहुत सारे दीज लॉज वेरी मच इन वो बट

लीडर शी इज नॉट द लीडर ऑफ द मूवमेंट इस मूवमेंट की जो खास बात है कि दिस इज लीडरलेस कोई यू नो स्पेसिफिक बिग लीडर नहीं है बट देयर आर अ फ्यू लाइक द फ्री यूथ मूवमेंट विच हैव बिन प्रोटेस्टिंग सिंस जुलाई 2020 देन द देन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ थम्माट एंड डेमानस्ट्रेशन थम्माट आपको याद होगा थमास यूनिवर्सिटी के ही वो स्टूडेंट थी पानुसाया सिजिथा रावतनकुल जिन्होंने टेन डिमांड्स का लिस्ट दिया तो उस इंस्टीट्यूशन का एक मूवमेंट है जिसका नाम है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ थमस आर्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड देन वी हैव बैड स्टूडेंट मूवमेंट हु आर यू नो फाइटिंग फॉर रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर ऑफ थाईलैंड ना अदर डिमांड्स क्या क्या हैं हम लोग देख लेते हैं देखिए द मोस्ट मेजर डिमांड अदर देन द टेन डिमांड्स इज द रिजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रायुत चांद ओचा दैन ब्रिंगिंग अ न्यू एंड फेयर कंस्टिट्यूशन

जो टेन डिमांड्स में भी एक डिमांड था जिसके बारे में मैंने बोला था कि दिस इज इंपॉर्टेंट लेट्स टॉक अबाउट दैट दिस इज महा वाजी लॉन्ग कॉन्ड हु बिकेम क्राउन प्रिंस इन द ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड बिकेम दू नो किंग ना वट हैपन इन ये जो रॉयल फैमिली है उनके प्रॉपर्टीज को उनके फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो राइट क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो यानी कि सीपीबी ये जो रॉयल फैमिली है उसका जो प्रॉपर्टीज uh, है उसको मैनेज करते हैं ना वॉट हैपन दिस वॉज यू नो कंट्रोल्ड बाई दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर था यानी कि दिस वॉज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द रॉयल फैमिली बट इन टू थाउजेंड सेवेंटीन वॉट हैपेंड महावाजरी लॉन्ग कॉन्ड आउस्टेड दी फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड the crown property bureau under his own control now ye jo crown property bureau hai isme bahut sare cheeze hain ye sirf unke properties ko hi manage nahi karta it has stakes in the siam commercial bank which is the oldest and richest bank of thailand it has stakes in the siam uh, cement group which is the largest conglomerate group in thailand मतलब अगर देखा जाए तो ये जो fund है, it's टोटलिंग टू अराउंड फोर्टी बिलियन डॉलर्स विच इज़ अ ह्यूज सम और टू थाउजेंड सेवेंटीन में जैसे ही माँ वाजरी लोंग कॉर्न ने कंट्रोल uh, एज्यूम कर लिया ऑफ क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो उसके बाद ही वेंट ऑन गोइंग टू फ्रीकेंट हॉलीडेज लाइक जर्मनी एंड ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल सच थिंग्स और उसी के बाद से वट हैपन्कोमिक प्रॉब्लम स्टार्टेड ग्रोइंग अप इन थेलैंड तो जो पीपल है दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस वो ये बोल रहे हैं कि हमारे कंट्री में इतना इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और आप ये टैक्स पे मनी से क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो को हथिया लिया और उसके बाद आप छुट्टियाँ मना रहे हो इधर उधर उधर तो इसलिए वो लोग मोनार्की के अगेंस्ट में जो कभी खाई पीपल यूज़ टू रिवर दी मोनारकी दे यूज़ टू रिवर द मिलिट्री but nowadays what happened they are insulting both these institutions the monarchy and the military both so quick summary we will see what happened in 2014 there was a coup d'etat in Thailand and mr. Prayuth Chan Ocha came into power he became the Prime Minister of uh, Thailand in the year 2019 a party is Palang Pracharat Party तो देड गिवन प्रयुचान ओचा देंडिडेसी फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप एंड इन टू थाउजेंड नाइनटीन दे वन बट ये बोला जाता है कि दिस वॉज अ रिग्ड इलेक्शन इन टू थाउजेंड एटीन देर वॉज अ न्यू पार्टी दैट केम अप जिसका नाम है फ्यूचर फॉरवर्ड्स पार्टी बट इन 2019 दिसंबर व्हाट डिसम्बर हैपन फ्यूचर फॉरवर्ड्स पार्टी को बैन कर दिया गया जिसके वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट आए एंड द प्रोटेस्ट काइंड ऑफ स्नो बॉल्ट एंड जो इकोनॉमिक कंडीशन है थाईलैंड का इट गॉट वर्सन ड्यू टू द कोविड 19 लॉकडाउन वो पहले से ही खराब था और खराब हो गया इसके बीच में 2016 थाउजेंड सिक्सटीन में वैन महावाजरी लॉन्ग कॉर्न बिकेम द किंग इन टू थाउजेंड सेवेंटीन ही एज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ द क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो दिस क्रिएटेड लॉर्ड्स ऑफ यू नो एंगर इन दी थाई पीपल उन्होंने बताया कि ये जो टैक्स पेयर्स मनी है महावाजी लॉन्ग कॉन्न इज मिसयूजिंग दैट बाई टेकिंग कंट्रोल ऑफ द क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो फिर उसके बाद वट हैपन इन ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी देर वॉज अ स्टूडेंट देर इज़ अस्टूडेंट पानुसा सीजी था रवातनकुल पुट अप दिस्ट ऑफ टेन डिमांड्स जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये जो क्राउन प्रॉपर्टी ब्यूरो हैं उसको uh, माहबाजी लॉन्ग कॉन् के कंट्रोल से अलग कीजिए uh, फिर देवर मैनी अदर डिमांड्स लाइक जो लजी मजिस्टी लॉज है उसको आप स्क्रैप कीजिए और उसके तहत जिन जिन लोगों को पनिशमेंट दिया गया है उन सबको हटाइए दे आर टेन डिमांड्स दैट वे पुट अप और उसके बाद से देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव कम अप एंड हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मोनार्की एंड मिलिट्री ऑफ थाईलैंड So that's it from me in this video. This is a story that is continuously developing. If uh, there is any more development, I'll make sure that I reach them to you. But for now, that's all from me. I'll see you in the next one. Till then, bye bye, and all the very best. Thank you.